आजकल जो इतने सारे मेडिटेशन के सेशंस वगैरह होते हैं, जहां देखो वहां मेडिटेशन दिखता है। ओरिजिनली साधना के केवल दो मार्ग हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं और मेडिटेशन का ट्राई करते हैं। ओरिजिनली मेडिटेशन होता नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो सारी सही है। हम कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ भगवान की भक्ति करते हैं, बस कुछ भी करते जा रहे हैं। आपको पता है ये चीजें आई कैसे? क्योंकि सनातन धर्म में जो चीजें हैं, जिन्होंने जिन जिन मार्ग का यूज किया है, कृष्ण का अलग रास्ता था, राम का अलग था, बुद्ध का अलग ही रास्ता था। जितने ऋषि मुनि आए, सबने अपने रास्ते से उस ईश्वर को पाया है। तो हमने जाना कि कुछ भी कर लो, सब कुछ सही है, आप जो भी करोगे सब सही। अधिकतर आप जब सब कुछ करने जाओगे ना, तब आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपको मिलेगा तो केवल एक कंफ्यूजन, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, ये जानने के लिए मोटे मोटे में आपको आपकी क्वालिटी पहचाननी पड़ेगी। अगर हम इस पूरी दुनिया के सारे शास्त्रों को ले लें, तो इसका प्रॉपर डिवीजन है दो हिस्सों में। एक है जो है अंतर्मुखी लोगों के लिए, मतलब जिसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी लोगों के लिए, जिन्हें हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। अब इसमें भी ये चीजें समझना थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इंट्रोवर्ट अथवा पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। हम कुछ सिचुएशन में इंट्रोवर्ट और कुछ में एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। काफी बार फैमिली के साथ होने पर हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, और बाहर के आउटसाइडर्स के साथ होने पर हम इंट्रोवर्ट महसूस करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति 100% इंट्रोवर्ट 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। पर उसके लिए आपको आप क्या हैं और कैसे हैं ये जानना अति आवश्यक है। अब जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, बिल्कुल उसी तरह से दो ही रास्ते हैं। एक है ज्ञान का रास्ता और दूसरा है योग का रास्ता। ज्ञान, इट मींस जो पूरी चीज आपको बस एज इट इज दिखने लग जाती है, जैसे रमण महर्षि को दिखती थी, जे कृष्णमूर्ति बात करते थे, उनकी बातें पूरी की पूरी ज्ञान पे डिपेंडेंट थी। वे सिर्फ ज्ञान अर्थात सांख्य की बात करते थे, सिर्फ इतना कि आप जान लो चीजें कैसे काम करती, दैट्स इट। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने भी दूसरे अध्याय में गीता के यही कहा है कि तू जान ले, देख ले क्या चीज है, तू समझ लेगा अर्जुन, तुझे समझ आ जाएगा, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे टाइप के जो होते हैं बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट लोग, उनके लिए योग का महत्व बहुत है। उन्हें बाहर खोजना पड़ेगा कि उनके लिए क्या चीज है, उन्हें चीजों से जुड़ना पड़ेगा। आइए आज हम इसे अर्जुन की एक क्वेरी के रूप में देखते हैं। आज का है अध्याय 3, श्लोक नंबर है पहला, और इसमें अर्जुन क्या पूछते हैं श्री कृष्ण से, वह देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान पूरा उसे बता दिया था, जिसे कहा जाता है सांख्य योग। उन्होंने ये बता दिया आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, क्या चीजें इस पर इफेक्ट करती है और क्या नहीं करती है, सारी बात उसे बता दी थी। पर हुआ क्या, चलिए देखते हैं अर्जुन क्या पूछ रहे हैं अध्याय 2 सुनने के बाद। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप अगर अपनी जगह पे खड़े रहकर देखेंगे ना, तो आपको ये सवाल एकदम सही लगेगा। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि हम कंफ्यूज है,
भगवान ने ज्ञान तो दिया, पर उस ज्ञान के लिए हम में जो रिसेप्टिवनेस होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब हम पत्थर जैसे हैं, पानी डालोगे तो बह जाएगा, उस पर टिकेगा नहीं। हम स्पंज नहीं है जो उस पानी को अपने में संभाले, उस ज्ञान को अपने में संभाले। अर्जुन का भी यही, उन्होंने भी पूरा ज्ञान, जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज था, वो सुन लिया। और उसके बाद भी उन्हें क्या सवाल हुआ कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों कर्म में धकेल रहे हो, मतलब मैं युद्ध क्यों करूं। अब अर्जुन पूछ क्या रहा है, युद्ध क्यों करूं, पर जो वो पूछ रहा है ना, उसके पीछे भी उसका पलायनवाद है ही, उसे वहां से भागना ही है कैसे भी करके। और अर्जुन को कहीं ना कहीं लगा होगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कृष्ण ने मुझे समझा दिया कि ज्ञान ये है, तो चलो उसी को बोल देते हैं। अगर ज्ञान सब कुछ है और मैं जाना चाहता हूं तो मुझे क्यों भागने नहीं दे रहे हो तुम, मुझे क्यों छोड़कर चले जाने के लिए नहीं कह रहे हो तुम। कृष्ण उसकी बात अच्छे से जानते हैं। आपको पता है, अगर अर्जुन को सही में सांख्य योग सुनने के बाद थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाता ना, तो उसके लिए युद्ध युद्ध नहीं रहता, वह लीला हो जाता, वह सिर्फ एक खेल हो जाता उसके लिए। उसके लिए वैल्यू ही नहीं रहती चीजों की, उसे लगता कि मेरे पास जो काम आया है, अब यहां पर खड़े रहकर अगर मुझे करना ही है तो लेट्स डू, और वो वही करता बिना कोई सवाल किए। पर हुआ क्या, उसे हो गया कंफ्यूजन। अब सेम कंफ्यूजन हमें भी कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, क्या हम बैठ जाए आत्मा अमर है बस उसे बोलते रहे बार बार, या हम ये बोले कि अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, हम वो हैं। आप हाथ डाल के तो देखो आग में हाथ जलेगा, आपके शरीर के बारे में ये बात नहीं थी। पर अब हमें अगर हमारी साधना करनी है तो इस शरीर से ही जाना पड़ेगा, तो अब इस शरीर को कैसे ज्ञान के उसमें ले जाएं? तो सबसे पहले आप जानो आपकी अधिकतर क्वालिटीज क्या है, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं या पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है। जो इंट्रोवर्ट होता है उसे अपने अंदर जाने की साधना करनी चाहिए, अर्थात उसे बैठकर चीजों को अंदर से समझना जरूरी है। ये कैसा है पता है, कोई व्यक्ति 11 नंबर पे खड़ा है तो उसे नेगेटिवली इनसाइड जाना है, जैसे बुद्ध का मार्ग था, ये भी मैं नहीं, वो भी मैं नहीं, वो भी मैं नहीं। जब कुछ भी नहीं, जीरो बचता है ना, शून्य, और आखिर में क्या हो जाएगा, ये शून्य भी मैं नहीं, तब इंट्रोवर्ट अपने आप को पाना शुरू कर देता है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट है तो एक ही मार्ग है आपके लिए, और वो मार्ग रहेगा बुद्ध का, ज्ञान का मार्ग। बैठें, मेडिटेशन का ट्राई करें, अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधारें, चेक करें, उसे क्लियर करें और आगे बढ़ें। अब दूसरा तरीका जो है योग का। अब योग में भी बहुत सारे अलग अलग योग आ गए हैं। सिंपली हमें ये समझना है, योग अर्थात जुड़ना। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने आप को जानने के लिए, बात यही है। आप 11 नंबर पे खड़े हैं और आप संख्याएं गिनते जाएं, आप अनंत तक जाएंगे, और अनंत वहां पर भी संख्याएं खो जाएगी, आपको प्रॉपर वैल्यूज नहीं मिलेगी, आपको लगेगा अरे कितना अनंत है, और आप उस ब्रह्म में लीन होने लग जाएंगे। आपको अनंत में वही एक चीज नजर आने लगेगी कि ये रिपीटेटिव है और एंडलेस है, तब आप पूरी तरह से पूर्ण के रास्ते पर पहुंच जाओगे, और आखिर में शून्य और पूर्ण एक ही है, और आप इसे जान पाओगे। तो बस साधना के यही दो मार्ग, या तो आप बैठें, अपनी गलतियों को सुधारें, अपने ऊपर काम करें और समझें कि कहां से, कौन से माध्यम से आप उस ईश्वर को पा सकते हैं। दूसरा रास्ता है, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करें, काम करें, और वह काम ऐसे करें जैसे ईश्वर का आशीर्वाद है, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं ऐसे करें। उसके लिए
कर्म योग हो सकता है, उसके लिए भक्ति योग हो सकता है, उसके लिए प्रेम योग भी हो सकता है, पर हो सकता है सिर्फ योग। तो अगर दो तरह के व्यक्ति हैं तो यही दो काम है, बहुत आसान है, ट्राई करके देखिए। पर सबसे पहले जानिए कि आप कैसे हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने भगवद गीता पे और भी बहुत सारे डिटेलिंग में वीडियोस बनाए हैं। भगवद गीता को हर एक श्लोक के अनुसार जानना चाहते हैं, आज के प्रस्पेक्टिव में जानना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। स्टे ट्यून, थैंक यू।